नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अपने घर में होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और आप लोग बोल रहे होंगे कि आजकल ब्लॉग कम आ रहे हैं, तो यार आजकल टाइम नहीं लग पाता इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे। और साथ संडे ऑफ है तो सोचा कि आज ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी है। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और अभी हम थोड़ा नहाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम यहाँ से खलंगा स्मारक, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, नाला पानी चौक से आगे खलंगा स्मारक है। एक ऐसा स्मारक जो कि किसी अंग्रेज़ों ने बनाया था अपने सैनिकों की याद में नहीं, बल्कि अपनी दुश्मन सेना गोरखा सैनिकों की बहादुरी की याद में एक स्मारक बनाया था, जो कि यहाँ पर है। और आज हम वहीं जाएंगे, मेरे साथ हमारे भाई लोग होंगे, जो अभी आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते यहाँ से नीचे की ओर। और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, और जो हमारे भंडारी भाई हैं वो हमारा कर रहे हैं बाहर वेट, बाहर रोड पे। तो इसलिए अब चलते हैं यहाँ से, और आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। तो यहाँ पर हमारे भंडारी भाई भी आ चुके हैं। कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली, बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं आगे। हमने यहाँ से पेट्रोल भर लिया है और हम चलेंगे यहाँ से कहाँ की ओर, खलंगा स्मारक की ओर। यहाँ पे आ गए, इतनी चढ़ाई है भंडारी भाई की गाड़ी सेकंड गियर पे नहीं चल रही, फर्स्ट पे चला थे, नहीं चढ़ रही गाड़ी गाड़ी बंद होगी भाई साहब। तो रोड के क्या हाल हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए रोड यहाँ पे जंगल की रोड है, यहाँ आगे क्या है मेरे को ये देखना, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। आगे खलंगा स्मारक है, ये भी मुझे नहीं पता आगे क्या है। अरे मुझे लग रहा है धर्मेंद्र को भी नहीं पता होगी। नहीं पता है मेरे को खलंगा स्मारक है। अरे आगे ऐसा हुआ भंडारी, जब 1800 की बात है, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आक्रमण किया था देहरादून में, यहाँ पे तो उनकी लड़ाई यहाँ पर गोरखाओं से भी थी। तो गोरखा यहाँ पर खलंगा किला है ना यहाँ पे, तो वहाँ पर रहते थे गोरखा किले में। तो उनके बीच और अंग्रेजों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिन्होंने गोरखाओं ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। मतलब तो गोरखा की सेना 600-700 के आसपास थी और अंग्रेजों की सेना थी 2000 के आसपास। अच्छा अच्छा, फिर भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गोरखाओं ने। चलो जो भी आप लोग मजे लो ना वीडियो में। कौन सा खलंगा सर, ये रास्ता कौन सा जा रहा आगे? बाइक ले जा लो यार, तो 2 किलोमीटर आ रहा है। खलंगा पार्क है, खलंगा स्मारक, ठीक है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर रास्ता भूल गए थे, मतलब हमको पता नहीं था कि रास्ता आगे यही है कि नहीं है, मुझे ये नहीं पता। अभी हमने पूछा भाई लोगों से, उन्होंने बताया कि आगे भी 2 किलोमीटर और है, मुझे ये नहीं पता। इस यहाँ की जो रोड है ऑफ रोड है बिल्कुल ही, ये शहर से थोड़ा अटके रोड है, इसलिए इस रोड की हालत में खतरनाक है। बम 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 बोले, बम 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 बोले, गया 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 गया, नहीं गया, बच गया, जाएगी जाएगी, चलती है नहीं जाएगी, जाएगी जाएगी, इसकी हम डेमो बना देंगे। बढ़िया गंदी रोड। ओहो आ गए आ गए यार, अभी हम गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम खलंगा स्मारक के पास। एक लगा देगा ना, यहाँ से पैदल आगे जाने के लिए। हाँ पैदल चल जाएंगे ना, चल भंडारी नहीं है ना, चलेगी बाइक। तो उधर वीडियो बनाते हैं,
फाइनली पहुंच चुके हैं खलंगा इस मारक के पास। यहाँ से भी आगे पैदल जाने के लिए, परंतु यहाँ पर चढ़ाई काफी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा चढ़ाई यहाँ पर ऊपर। तो भंडारी भाई ने बोल दिया कि अब मैं बाइक ऊपर नहीं ले जाऊंगा और मैं यहाँ पे उतर गया हूँ। क्या हुआ भंडारी भाई? जाऊंगा पर लेकिन सिंगल ही लेके जाऊंगा, डबल आदमी ने यार खींचा नहीं जा रहा बाइक में ना, बहुत चढ़ाई यहाँ पे। अब सिंगल में देखते हैं, आप लोग पूरी बाइक देखोगे पीछे से किस तरीके से चलेगी। तो चलो आप आओ, मैं चलता हूँ आगे, ठीक है? आप देख सकते हो काफी है, बैटरी वाली है। मैं चलता हूँ ठीक है पैदल, आप आओ। तो मैं चल रहा हूँ पैदल। भंडारी भाई स्टैंड ऊपर कर उसका, चढ़ाई काफी है डबल सवारी को ले जाना मुश्किल है। यहाँ पे आ चुका हूँ तो भाई मैं सबसे पहले आप लोगों को, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को इस खलंगा स्मारक के बारे में बता दूं, ये यहाँ पर क्यों बनाया गया था। तो इतिहास इस प्रकार से कि 1814 में जब अंग्रेजों ने देहरादून पर आक्रमण किया तो यहाँ पर पहाड़ियों पर गोरखाओं का किला था, यहाँ नाला पानी में गोरखाओं का किला था यहाँ पर। और जब अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण किया तो गोरखाओं की संख्या 600 से 700 के आसपास थी और जो अंग्रेज थे वो थे 10,000 के आसपास। परंतु जो 10,000 अंग्रेज थे उनको धूल चटा दी थी कुछ ही गोरखाओं ने और आखिरी में गोरखा हार ही गए थे। परंतु जब गोरखा हार गए तो अंग्रेजों ने उनकी बहादुरी को देखकर उनको अपनी बटालियन में शामिल किया, रेजिमेंट बनाई, उनकी अलग सी एक रेजिमेंट बनाई और उनके नाम पर यहाँ पर एक स्मारक बनाया। देख सकते हो आप, ये पहला स्मारक होगा जो किसी दूसरे देश के सैनिक की स्मृति में बनाया गया हो। थोड़ा अलग है स्मारक क्योंकि सभी देश अपने देश के शहीदों के लिए स्मारक बनाते हैं, परंतु ये वाला स्मारक है ये अन्य देश के सैनिकों की स्मृति में। तो आप समझ सकते हैं कि स्मारक क्यों अलग है और क्यों खास है। तो गाइस यहाँ से मैं आपको देहरादून दिखाऊंगा, नीचे शहर दिखी यहाँ पर, इधर हल्का हल्का पेड़ों के बीच नहीं दिख रहा यार, ये ऊपर चढ़ाई पे आ रखे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप खलंगा पार स्मारक, ये एक खलंगा स्मारक है यहाँ पर। और यहाँ पर गोरखाओं का पहले किला था, इधर जंगल दिख रहे, पहाड़ियाँ इधर, पहाड़ियाँ आगे, यहाँ पर गोरखाओं का किला था जिस पर कि अंग्रेजों ने किया था कब्जा, बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी उनके बीच। और अभी भी आपको एक खास चीज दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पर गोरखाओं के इतने यहाँ पर किल हुए थे, अफसर 31 अफसर किल हुए थे और 35 घायल हुए थे और अदर रैंक के 750 और अदर के भी 1500, मतलब इतने यहाँ पर जो शहीद हुए थे गोरखाओं के। देखो ये बंदा काफ़ी परेशान लग रहा था पीछे, मुझे ये नहीं पता क्यों परेशान था, लेकिन परेशान तो मैं था आगे से। देखो परेशान नहीं है, मेरे को डर लग रहा था पीछे, डर किस बात है, मेरे पे विश्वास नहीं है, मतलब विश्वास रोड पे कहाँ कहाँ लेके गया हूँ आपको, मतलब मेरे पे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, मतलब तेरे पूरा विश्वास है, हाँ ये रोड पे विश्वास नहीं है, रोड नहीं कैसी थी। बंदे की हालत ऐसे लग रही है जैसे खुशी खुशी यहाँ पे आया होगा। तू तो सामने रोड देख रहा था ना, मैं इधर उधर खाई देख रहा था। तो मैं इधर उधर देखूंगा तो हम कहाँ जाते पता, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, हम कहाँ जाते पता, इधर उधर देखते तो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा सारा जो भी है। ये हालत है हम दोनों की, ये बंदा तो काफी खुश है लेकिन मैं नहीं हूँ, पता क्यों नहीं हूँ, बाइक चलाने में इतनी परेशानी हुई मुझे। बंदे को बोला मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, बंदे को बोला मैंने बाइक चला ली, बंदा कह रहा है नहीं नहीं यहाँ नहीं चलाना है, सीधी रोड प्लेन रोड पे चलानी, मरना थोड़ी मेरे को बाइक चला गया यार, मतलब मैं मरना है। तो देखो आप देख सकते हो क्या कितना अच्छा नजारा आ रहा है पीछे के यार, क्या नजारा, तो उधर है तेरे इसी में रह गया वो सलविश्ती या
ये बंदा अब निकाल रहा है इसको, इसको मैं कब से कमरे में ढूंढ रहा, मैंने कहा कहाँ गया यार, कहाँ गया उस दिन बैग में रह गया था ना, तो बैग में रह गया था। इसको मैं ढूंढ रहा, मुझे लगा कहीं खो गया। नहीं खो गया यार हमारा। भंडारी भाई आप कुछ कहना चाहते हो? चले ठीक है। तो गाइस हम निकल चुके यहाँ से, हम घर की ओर, क्योंकि भंडारी भाई को हो रही काफी, क्या हो रही तेरे को? गर्मी लेट हो रही, किस बात की लेट है तेरे को? तो गाइस हम निकल चुके हैं वहाँ से, और मैं ये जंगल आपको दिख रहा है, नाला पानी का जंगल है, और यहीं पर बोर खाओ यहाँ पर नीचे चले गए मेरा था यहाँ पर भाई, भाई मुझे बता दिए जो बोर था वो कीला था, वो यहीं पर कीला था उनका, यहाँ पर रोड काफ़ी ज़्यादा था। क्या रोड है, क्या रोड है भाई, गिरा मत दियो भाई भंडारी भाई। अरे गिरा तो आगे का ब्रेक लेंगे नहीं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर करना, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।